हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं दिल्ली। क्या है कि हमारी गवर्नमेंट ने एक नेशनल क्रिएटर अवार्ड रखा है, जहाँ पर इंडिया से सारे क्रिएटर्स को इनवाइट किया है। तो वी आर हेडिंग देयर एंड हम आपको बताएंगे कि ये जो नेशनल क्रिएटर अवार्ड है, वहाँ पर क्या क्या होने वाला है, कौन कौन आने वाला है। सो हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग तो नॉमिनेटेड नहीं है, मतलब वी वॉन्टेड टू बी नॉमिनेटेड बट अनफॉर्चुनेटली वी आर एंड देयर, मे बी नेक्स्ट ईयर। बट हमारे बहुत सारे दोस्त लोग नॉमिनेटेड हैं एंड बहुत सारे लोग आने वाले हैं। सो वी रियली होप कि जो भी डिजर्विंग है वो अच्छे अच्छे अवार्ड जीते। एंड लेट्स सी, आई मीन वी आर जस्ट होपिंग टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस। हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आएंगे, तो एक बोलते ना क्रिएटर मिला, वो भी हो सकता है। हमारा भाई मिला, ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मैं बोला कि सब छोड़, ये जो बंदा है ना, मालूम नहीं ये क्या चीज है, ये जामनगर जाके आया है। अभी जस्ट शादी अटेंड कर गया। तो भाई बता, शादी कैसा था? बहुत सही था, आउट ऑफ द वर्ल्ड था। अभी क्या बताओ, आई मीन मतलब जो बता सकते वही बता, बाकी बहुत लोग व्लॉग देखते हैं। इट वाज डिवाइन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। डिवाइन भी आया था? नहीं, आई हैव नो वर्ड्स रियली। लाइक जितना इंस्टाग्राम पे दिख रहा था, मैसिव सब था, मैसिव। एंड द थिंग इज देयर वाज नो लाइक वीआईपी कल्चर, लाइक सब लोग, एवरीवन वाज एवरीवेयर। क्या मेरे को ना जनरली जब भी मैं तेरा स्टोरीज देखा ना, तो आई वाज वरीड कि मतलब इसने धोनी का स्टोरी डाला, मतलब ऑल द सेलिब्रिटीज रोमिंग लाइक दैट ऑलरेडी। पर वहां पे किसको वीआईपी और का सब तो वीआईपी था। एक एफ इज ध्रुव, एफ मेरा है, मेरा विंडो सीट है, विंडो सीट मेरा है, विंडो सीट तेरा है, लेकिन तू पीछे में आ गया ना, तो फंस गया तू लाला। अच्छी ऐसा नहीं होता ध्रुव, विंडो सीट देख। चल रॉक पेपर सीजर, सिंपल सिंपल रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, ठीक है। एक इज्जत से, इज्जत से रॉक पेपर सीजर। दीदी ने एरोस हुआ ना अपना, रॉक पेपर सीजर हुआ ना, लेट मी एक्सप्लेन। उसके बाद तो क्यों बैठ रहा विंडो सीट पे? एक बार थोड़ी होता, ट्राई सीरीज है ना, तीन बार जो दो बार जीते, तो बिना किए कैसे बैठ गया? मैं बोल रहा हूं तो सुना नहीं? हां तो एक बार मैं जीत गया ना, आ जा। हां ठीक है, रॉक पेपर सीजर अभी फाइनल फाइनल है बच्ची, देख मान, लेकिन करना पड़ेगा रॉक पेपर सीजर। तू चेंज बच्ची, देख ले बच्ची, देख वीडियो में, देख ले वीडियो में, देख यार वीडियो में, देख यार वीडियो में, देख यार लेट हुआ है, मां कसम देख के नहीं किया अच्छी, बट वो वीडियो में देख लेना क्या हरा अच्छी, क्या आगता है देख ले, पर मां कसम देख के नहीं किया दिया दिया। गाइस पहली बार हार जाओ ना तो तीन बार के बेस्ट ऑफ फाइव था ना, बेस्ट ऑफ फाइव, बेस्ट ऑफ फाइव ना अभी मालूम पड़ेगा, 2-1 बेस्ट ऑफ फाइव। एक ही बार तो पहली बार हो गया था, बेस्ट ऑफ फाइव लास्ट, बेस्ट ऑफ फाइव लास्ट। चल रॉक पेपर सीजर फाइनल है ब्रो, बेस्ट ऑफ सेवन नहीं है, पहले इसका डन कर। अग्रीमेंट है गाइस, रॉक पेपर सीजर। पता था मैं दो बार सीजर करने, कॉपी करके वापस, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं था करेगा। अरे मेरे दिमाग में था कि कॉपी करेगा, लास्ट टाइम रॉक के इसने पेपर किया। वेरी गुड, वेरी गुड, डिजर्विंग, मच डिजर्व, दिया नहीं तू लिया। मेरे को ये वॉशरूम से बाहर कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि जैसे इसने बोला ना कपड़े ब्लैक, पूरा ब्लैक और ब्लैक पहन के आया, एकदम परफेक्ट जैसा उसने बोला एकदम वैसा कपड़े पहन गया, कोई निकाल ही नहीं सकता मेरे को यहाँ से। आई फॉलो द रूल्स माय मैन। हाय गुड मॉर्निंग, सो कल हम लोग होटल में आए, होटल का रूम थोड़ा लेट मिला, अराउंड 10:30-11। तो जैसे हम लोग चेक इन करने वाले थे, नीचे जो ऑफिशियल थे वो बोलते कि सर आपको सुबह 6 बजे उठना है। बोले क्या, जैसे उसने बोला ना एकदम से फटाक से नींद आ गई, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, फटाक से रूम में आए और सो गए। एंड राइट नाउ इट्स 5:52, उन्होंने बोला था कि 6 बजे तक रेडी होके नीचे आ जाना। हमने 10 अलार्म लगाए एंड वी फाइनली वोक अप आफ्टर 10 अलार्म्स एंड 2 वेकअप कॉल्स। मैं अभी जस्ट ना के आया हूँ, ध्रुव अभी अंदर है। 6:20 तो होने ही वाला है। द फनी पार्ट इज वी डोंट नो व्हाट वी हैव टू वेयर। इतना बड़ा बैग लाया था हम लोग खाली एक इवेंट के लिए, ध्रुव का सामान भी मैं ही लेके आया हूँ, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट आर वी गोना वेयर। द बेस्ट पार्ट इज टुडे इज महाशिवरात्रि। मेरा बचपन से मेरे घर पे ऐसा रूल है कि महाशिवरात्रि पे एंड जन्माष्टमी पे मी एंड माई एंटायर फैमिली कीप्स अ फास्ट, मतलब नॉट जस्ट मी, मेरे घर पे जो प्रयान है, भव्या है, सब उपवास रखेंगे नो मैटर वॉट। तो कल रात को मैंने ये मम्मी को फोन किया कि मम्मी मैं फास्ट में क्या मंगा सकता हूँ। मम्मी ने बोला कि तू मखाने खा सकता है, वो जो अंदर की ऊर्जा है, तुम दिल्ली में आए हो और तुम खाना नहीं खा सकते, इमेजिन करो। सर जैसे कि आप देख सकते हो, 1, 2, 3, 4 पेयर ऑफ पैंट्स, 1, 2, 3, 4, 5 पेयर ऑफ शर्ट्स। अभी क्या मिसमैच करना है, कैसे क्या पहनना है वो अभी डिसाइड करेंगे। Okay.
क्रिएटर अवार्ड के विजेता हैं अंकित भाई अनपुरिया। अभी भी कुछ सुनना बाकी है क्या? कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। भविष्य में ये अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा, उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली। जल्दी जल्दी में भी, इतने कम समय में भी 1.5-2 लाख क्रिएटिव माइंड्स इसके साथ जुड़ जाए, ये मेरे देश की भी एक पहचान बना देता है। पढ़ाई के टाइम करियर सेलेक्ट करते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि हम कंटेंट क्रिएटर जैसा कुछ बनेंगे, लेकिन अपने भविष्य को पहचाना, फ्यूचर को देखा और ज्यादातर लोगों ने वन मैन आर्मी की तरह काम शुरू कर दिया। अपने प्रोजेक्ट में आप ही राइटर, आप ही डायरेक्टर, आप ही प्रोड्यूसर, आप ही एडिटर, यानी आपको ही सब कुछ करना होता है। यानी एक प्रकार से इतनी टैलेंट एक जगह पे जमा हो जाए और फिर वो जब प्रकट हो तो उसका सामर्थ्य कितना हो सकता है अंदाज लगा सकते हैं। जब मैं आपको MPP कहता हूं, मतलब मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बन गए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब कंटेंट और क्रिएटिविटी आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। जब कंटेंट डिजिटल से कोलैब करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। शब्दों से हम सबको प्रेरणा मिलती है। आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा हमें भी ऊर्जा देता है। आपके संबोधन से हम सबके लिए कुछ ना कुछ ग्रहण करने का अवसर होता है। आपका, हमारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स आज अलग अलग विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। अपने साथ साथ देश निर्माण में भी वो कैसे योगदान दे सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ये मंत्र भी सबके साथ साझा किया। चल बाय क्रिश, वो ऐसे करके भाग के जाना, उठ के जाना, भागते सीधा एयरपोर्ट। चल बाय, सी यू ब्रो, आराम से जाना, बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं कुछ कोई कुछ करना है। चल बाय ब्रो। सो गाइस, तो आपने मतलब इवेंट तो देख ही लिया होगा, मोदी जी के विटीनेस आपने देख ली होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच फ्रॉम दिस इवेंट, बट ईच भी इवेंट में हम लोग गए एंड बैठे थे, इट वाज सो एंगेजिंग। मोदी जी का क्या दिमाग है भाई, उनकी नॉलेज इतनी है कि उनको पता है कि क्या कॉन्टेंट चल रहा है, लोग क्या बना रहे हैं। सुनके इतना अच्छा लगा कि मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग सोच रहे थे कि क्रिएटर इकोनॉमी क्या है, क्रिएटर जो लोग क्रिएटर फील्ड में क्या कर रहे हैं हम लोग, बट आज हम लोग को पीएम मोदी जी से वैलिडेशन मिल गया कि भाई जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो। मजा आ गया भाई, ये इवेंट अटेंड करके लाइव मोदी जी को देख के, जो इंस्पायरिंग हम लोग ना उनके ह्यूमर वर्ड प्ले करते भाई, मोदी जी वर्ड प्ले, वो कौन सा बंदा आया था, ट्रिगर्ड इंसान आया तो बोलता है आज क्या ट्रिगर करने वाले हो बताओ। So hope you enjoyed this vlog and we are going to be more active on our vlog channel now. जैसे कि आप देख चुके हो, like करो, comment करो और comments में बताओ आप कौन से vlog हमारे देखना चाहते हो, and subscribe to our channel Dhruv and Shyam and we'll see you in our next vlog. जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला सब देखता है, आते वक्त तू ऐसा window seat पे बैठा, अभी कौन बैठा है?
ऊपर वाला सब देखता है। देख देख देख, तू भी कुछ देख रहा था। बेस्ट ऑफ अभी बोल दे, बाद में मगज मारी नहीं। बेस्ट ऑफ 5-7 नहीं, बेस्ट ऑफ 3 फाइनल। फाइनल चल मेंटल गेम ना बच्ची, ऐसी ये इजी है बच्ची, ये इजी है, मत कर मेंटल गेम, मत कर, फटाक से कर दे कुछ भी। रॉक पेपर सीजन ऊपर अच्छा मैं हार गया, मैं ये डायरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दे दे मेरे को प्लीज। सीट के लिए कुछ भी कर रहे हैं चलेगा ना, हो गया, हारा मैं, हारा बस।